हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतलीला एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं सीएम स्कॉलरशिप के बारे में कि जो सीएम की जो स्कॉलरशिप जो निकालता है उसके जो आपको प्रोसीजर क्या रहेगा, कैसे आपको अप्लाई करना है, ठीक है, कैसे आपको मतलब कौन कौन से जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीजों के बारे में आज हम पूरा डिटेल से देखेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए अभी हम देखेंगे कि जो आपके मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति फॉर्म है वो शुरू हो गए हैं। ये ओनली राजस्थान के कैंडिडेट, जो मतलब राजस्थान के स्टूडेंट्स है वही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही में मुख्यमंत्री मतलब जो आपकी सीएम स्कॉलरशिप जो फॉर्म है 2023-24 के, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो आ चुके हैं। देखिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती है, ठीक है, हम सोचते हैं कि हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते स्कॉलरशिप के लिए, तो इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे इस स्कॉलरशिप से। तो आप वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक देखें। और साथ ही हम आपको बता दें कि बहुत सारी छात्रवृत्ति जो योजनाएं हैं वो आई हुई है। देखो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है, इसमें बहुत सारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही छात्रवृत्ति योजनाएं हैं। तो हम सिर्फ मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि सभी जाति के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कुछ इसमें क्वेश्चंस है कि आपके क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। देखो स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट है, आपकी एलिजिबिलिटी योग्यता क्या होनी चाहिए, आवश्यक दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या होंगे, कौन फॉर्म भर सकता है, ठीक है, और आरबीएससी स्टूडेंट भर सकते हैं या सीबीएसई स्टूडेंट भर सकते हैं या दोनों भर सकते हैं, इसके लिए आपकी ये सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो आज हम इन्हीं के जवाब देखेंगे जिसमें आपको पता लग जाएगा कि इसके फॉर्म कैसे अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में आता है आपका स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म। स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म है जो आपके 1 जुलाई से स्टार्ट होके 31 जुलाई 2023 तक ये अप्लाई होंगे। तो आपको इसी के बीच में ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये फिल करना है, ठीक है, और इसी के जो स्कॉलरशिप है ये जो फॉर्म भरा जाएगा ये आपका एसएसओ आईडी के थ्रू भरा जाएगा, ठीक है। जो एसएसओ आईडी है अगर किसी की बनी हुई है तो वो उसी से फिल कर देगा, और अगर अदरवाइज आपको न्यू बनानी पड़ेगी और इससे आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड है योग्यता। देखो योग्यता क्या होनी चाहिए, देखो आप 12th पास होने चाहिए, ठीक है, विथ 60%, ठीक है, 12th पास होंगे विथ 60% के साथ तभी आप सीएम स्कॉलरशिप फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आपको बता दें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि हमने तो लास्ट ईयर 12th पास की थी और अभी क्या है कि मैं फर्स्ट सेकेंड ईयर में हूं तो मैं क्या इसके लिए अप्लाई कर सकता हूं। तो देखिए सेकेंड ईयर में अगर आप हैं, फाइनल ईयर में हैं, ठीक है, एलएलबी कर रहे हो, जैसे एलएलबी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या बीए एलएलबी हो, ठीक है, या फिर कॉलेज कोर्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हैं आप, ठीक है, वो सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। पर इसमें क्या मतलब एक इंस्ट्रक्शंस है कि जो सेकेंड ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं चाहे वो कोई भी स्ट्रीम से हो चाहे वो कोई भी कोर्स से हो, ठीक है, जैसे एलएलबी है बीए एलएलबी है चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, उनको फर्स्ट ईयर में ये वाली स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए जब भी वो इसके लिए सेकेंड ईयर में फाइनल ईयर में एलिजिबल है, अदरवाइज वो नहीं है, ठीक है। अब आती है सेकेंड चीज की एलएलबी के स्टूडेंट्स बी एलएलबी के स्टूडेंट्स वो कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो, पर जैसे ये सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर वाला सिस्टम है वो लोग तभी कर सकेंगे जब उनको फर्स्ट ईयर में भी ये स्कॉलरशिप की जो योजनाएं हैं इसकी जो सहायता राशि की जो मिल रही हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकोगे। हाँ 12th पास करके जस्ट अभी आपने एलएलबी फर्स्ट मतलब बी एलएलबी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब सेकेंड बात है कि रेगुलर स्टूडेंट्स कर सकते हैं या नॉन रेगुलर, तो देखिए एलएलबी में तो सभी रेगुलर्स होते हैं, ठीक है, अगर हम और अदर कॉलेज कोर्स की बात करें तो वो नॉन कॉलेज स्टूडेंट्स इसको फिल नहीं कर सकते, ओनली रेगुलर स्टूडेंट्स ही इसको फिल कर पाएंगे। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की आवश्यक दस्तावेज मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। अब देखो कौन कौन से है आवश्यक दस्तावेज। आवश्यक दस्तावेज भी है आपका, आप नोट भी कर लीजिए, मूल निवासी आप राजस्थान के होने चाहिए, ठीक है, साथ ही में आपको जन आधार कार्ड चाहिएगा, आधार कार्ड, अगर जाति प्रमाण पत्र है
वो चाहिएगा आपको, ठीक है। साथ ही में आपको और क्या चाहिएगा कि जो आप ये इसके लिए कब अप्लाई कर सकते हो, जब आपकी आय है जो 2.5 लाख से कम है, ठीक है। इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट बनता है, आय प्रमाण पत्र, ये सभी को पता होगा, ठीक है। आय प्रमाण पत्र वो बनवाना पड़ेगा और फिर वो अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। एक फॉर्म आता है उसपे मतलब कुछ डिटेल्स होती है, उनको फिल करना पड़ता है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे आपकी 12th की मार्कशीट है, ठीक है, ये सारी चीज, और जहां पे एडमिशन लिया है वो, ये सारी चीजें आपको चाहिए होंगी इसके अंदर। फिर है नेक्स्ट कि कौन फॉर्म भर सकता है। जैसा मैंने बताया अभी आपको कि LLB स्टूडेंट सभी भर सकते हो, पर वो ही फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर वाला देख लेना आप, कि अगर आपको फर्स्ट ईयर में मिल रही है तो ही सेकेंड ईयर फाइनल में आप इसके लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज नहीं हो, ठीक है। सेकेंड है कि रेगुलर हो तो ही आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 12th में आपकी 60% होनी चाहिए। अब आते हैं RBSC स्टूडेंट्स भर सकते हैं, CBSE स्टूडेंट भर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से, तो देखिए एक तो सभी जाति के लोग, सभी जाति के जो लोग हैं वो फॉर्म को भर सकते हैं, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में 12th पास किए, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले हैं। तो कोई भी जाति हो, यहाँ पे कोई पर्टिकुलरली कोई जाति होना आवश्यक नहीं है, यहाँ पे कोई भी जाति हो, सभी जाति के लोग इसको भर सकते हैं। RBSC जो स्टूडेंट्स है, राजस्थान बोर्ड से जिन्होंने 12th पास किया है, ओनली वही इसके लिए एलिजिबल है, CBSE के स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। सेकेंड बात है, इसमें आपको ₹5,000 मिलेंगे प्रतिवर्ष, ठीक है। मतलब हर बार फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, जैसे आप इस साल करोगे तो आपको 10 महीने तक ₹500 मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये है इसकी जो पूरी डिटेल्स थी, बता दी आपको कि इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही में और भी स्कॉलरशिप के फॉर्म निकले हुए हैं, पर उनको क्या है कि स्पेशली कैटेगरीज को मिलते हैं वो, पर यहाँ पे क्या है आपके लिए बेनिफिट सभी जाति के लोगों के लिए ये मिलेगी आपको, ठीक है। ₹5,000 प्रति वर्ष, मतलब 10 महीने तक आपको प्रति महीने ₹500 मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपकी जो CM स्कॉलरशिप की कंप्लीट डिटेल्स थी जो हमने आपको बता दी है। आगे भी ऐसी डिटेल्स के साथ आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।